वेलकम टू रोशी हयात किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिली फ्लेक्स। जी हाँ बिल्कुल, जो मार्केट से हम लोग पैकेट में खरीद के लाते हैं, डब्बों में खरीद के लाते हैं और डोमिनोज में जो हम लोग पिज्जा वगैरह ऑर्डर करते हैं उसके साथ में भी मिलता है। और देखिए इस तरह के पाउचेस आते हैं चिली फ्लेक्स के जब हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं। लेकिन अब आप इसको घर में ही बना सकते हैं बहुत ही आसान मेथड से, और वो भी सिर्फ 4 सेकंड के अंदर, है ना मजेदार बात। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। आप इसको पिज्जा में, बर्गर में, स्नैक्स में, काफी रेसिपीज में इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इस रेसिपी को आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए डोमिनोज जैसा चिली फ्लेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए चिली फ्लेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्च ले ली है इस तरह की, और इन सारी मिर्चों के मैंने डंठल को रिमूव कर लिया है। देखिए इस तरह के जो डंठल मिर्चों में लगे होते हैं वो इस डंठल को मैंने हटा दिया है। और अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए इसको रोस्ट, मिर्चों को रोस्ट करने के लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम के बीच में कर रखा है और इसमें हम सारी मिर्चों को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसकी फ्लेम हाई होगी तो इसका एरोमा खत्म हो जाएगा। और इसको रोस्ट करने से सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है और हम जो चिली फ्लेक्स बनाएंगे उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए है ना डबल फायदा इसको रोस्ट करने से, मॉइस्चर खत्म होने से हमें इसको ग्राइंड करने में आसानी होगी। और देखिए 3-4 मिनट तक इसे रोस्ट कर लिया मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे, ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और ये देखिए मिर्चें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। उसके लिए मिक्सी का एक जार लिया है हमने, सारी मिर्चों को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और देखिए इसको कवर कर देंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। हमें इसको लगातार चलाते हुए ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए पहले हम इसे ग्राइंड करेंगे, उसके बाद में मिक्सी को हम रोक देंगे और उसके बाद में 2 सेकंड के लिए फिर करेंगे इसको ग्राइंड हम। और इसी तरह से सिर्फ 2 या 3 बार हमें इसको चंक करना पड़ेगा और चिली फ्लेक्स हमारे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसको चंक करना शुरू करते हैं। और ये देखिए सिर्फ 4 सेकंड के अंदर चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो गए। मैंने इसको 2 सेकंड के लिए पहले मिक्सी को घुमाया, उसके बाद में इसको रोक दिया और उसके बाद में 2 सेकंड के लिए मैंने फिर इसको चंक किया और सिर्फ 4 सेकंड के अंदर ये चिली फ्लेक्स बनके हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम एक ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में या बोल में, जिसमें भी आप चाहें। और ये देखिए बिल्कुल डोमिनोज जैसे चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो गए हैं। और आपने इसको देखा इसको बनाना कितना आसान है। आप इसको किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं और ये इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 6 से 7 महीने तक है। 6 से 7 महीने तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। और जब भी आपका मन करे पिज्जा में डालने का है, बर्गर में डालने का, ये बहुत से ऐसे स्नैक्स है जो मैंने आपको बता रखे हैं, आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। और अब आपको मार्केट से चिली फ्लेक्स लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल मार्केट जैसे डोमिनोज जैसे चिली फ्लेक्स आप घर में तैयार कर सकते हैं और वो भी कितने कम टाइम में, सिर्फ 4 सेकंड के अंदर। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, आप इसको बना के जरूर स्टोर कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन पर बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। इसकी रेसिपी पसंद आने पर मेरे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। दुआओं में याद कीजिए, रखिए, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।